किडनी यूरेटर्स ऑफ ब्लैडर को कहते हैं यूरिनरी सिस्टम, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिए और इंजॉय कीजिए फुल एनिमेटेड वीडियो ऑन यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के रिलेटेड जो डिजीज होते हैं उनको कहते हैं यूरिनरी डिजीजेस, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए और इंजॉय कीजिए फुल एनिमेटेड वीडियो ऑन यूरिनरी डिजीजेस। माय नेम इज अनीस कुरैशी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डू सीसीटी यूरोग्राफी, यानी कि कंट्रास्ट एनहांस्ड कंप्यूटर टोमोग्राफी। आप यूरोग्राफी हम कैसे करेंगे? यूरोग्राफी हम करते हैं फॉर द किडनीज, एक्सक्रीशन ऑफ द किडनीज, फंक्शन ऑफ द किडनीज, जिसमें हम देखते हैं कि किडनीज अच्छे से फंक्शन करती हैं या नहीं करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे ज़रूरी है इंजिकेट लगाना, जो हम लगाते हैं ग्रीन कलर का इंजिकेट, ये हम लगाते हैं ये वाला। इसके साथ साथ हम लगाते हैं जो थ्री वे हैं वो भी लगाते हैं। थ्री वे बहुत ही सेफ होता है, तमाम कंट्रास्ट एनहांसर जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उनके लिए थ्री वे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वेनस जो है अच्छे से दिख जाए और अच्छे से आए, इस चीज़ के लिए हम लगा रहे हैं उसको टॉर्निकेट। ऊपर से देखते हैं टॉर्निकेट लगा रहे हैं पेशेंट को, उसको टाइट करेंगे अच्छे से। जो टॉर्निकेट लगा के आप देख रहे हैं इसकी वेन्स जो है अच्छी से प्रोमिनेंट हो रही है। स्वैब लगाएंगे यहाँ पे क्लियर करने के लिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। हमने जो ग्रीन कैनोला है इंसर्ट किया है बहुत ही अच्छे से, टॉर्निकेट हम रिमूव करेंगे ताकि जो ब्लड फ्लो रहे वो नॉर्मल रहे। नीडल जो है बाहर निकाली और साथ साथ देखेंगे कि ब्लड फ्लो अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ब्लड फ्लो हमारा सेफ है। इसके बाद हम इसको टैप करेंगे फिक्सेटर के साथ। तो ये हमने फिक्सेटर के साथ इसको टैप किया। इसके बाद हम लगाते हैं थ्री वे, जो कि बहुत सेफ होता है, तमाम कंट्रास्ट एनहांसर जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उनके लिए सेफ होता है। याद रहे कि ये जो हमने कैमरा लगाए इसको ऊपर से अच्छे से पकड़े टाइट करें ताकि ब्लड फ्लो बैक न करें। फिक्सेट में दो होते हैं, दो पैर, एक हम ऊपर से लगाते हैं और दूसरी ओर नीचे से लगाते हैं ताकि अच्छे से बंद हो जाए। इसके बाद हम जो हाइड्रो कार्ड इसको लोड करेंगे अच्छे से। पहले हम एनएसएस में इसके बाद इसी एन एस को हम जो हाइड्रोकार्ड है पाउडर फॉर्म में इसको हम करेंगे इसमें इंजेक्ट एन एस को। इसके बाद इसको थोड़ा सा शेक करेंगे। इसके बाद हम इसको फिर से लोड करेंगे इसी जिस इंजेक्शन से हमने इसको एन एस भरा था, इसी में हम इसको वापस से लोड करेंगे डाइल्यूशन के बाद। यह मोस्टली करते हैं यूज एंटी एलर्जी ड्रग ताकि पेशेंट को एलर्जी ना हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो हम करते हैं यूज़, ये हम करते हैं हेड कुशनिंग के लिए यूज़। तो इसको हम रिमूव करेंगे और जो फीट फर्स्ट है इसको हम इसमें इंसर्ट करेंगे, क्योंकि हमें करनी है सीसीटी यूरोग्राफी हमें करनी है। तो इसको हम अपवर्ड्स मूव करेंगे, पोजीशन दे देंगे यूरोग्राफी की। तो इसमें प्रेस करके हम इसको अपवर्ड्स मूव करेंगे और ये नंबरिंग जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। 130 हमारा आइडियल है, 129 भी रख सकते हैं, 131 भी रख सकते हैं। 131 हमने इस बार रख दिया। तो पेशेंट को हम बताएंगे कि सांस कैसे रोकनी है, ब्रेथ होल्ड जिसको बोलते हैं। पेशेंट को जब पहली आवाज़ आएगी तो लंबी सांस लेके रोकनी है और जब दूसरी आवाज़ आएगी तो ये छोड़नी है। इसको हमने अच्छे से बता दिया अंडरस्टैंड करके कि पेशेंट बहुत ही कोऑपरेटिव है। इससे जो पेशेंट है
अंदर चला जाएगा गैंट्री में, और जो सेकंड वाली लाइन है वो हम यहाँ पे रखेंगे ब्रेस्ट पे, ताकि थोड़ा चेस्ट का भी एरिया इंक्लूड हो जाए कोरिलेशन के लिए। बस तो इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे और लेज़र बंद करेंगे। तो सबसे पहले जो हम कंट्रास्ट लोड करेंगे इंजेक्टर में, यहाँ से इसको हम लगाएंगे लाइन को, क्लिक करेंगे, इसको खोलेंगे अच्छे से, यहाँ पे रखते हैं हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें हाथ के साइन पे ये सारे ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पे 0 ml कंट्रास्ट है, इसको हम यहाँ से लगाएंगे और यहाँ पे इसको फुल करेंगे कंट्रास्ट को, ताकि ये इंजेक्टर में चला जाए। तो यहाँ पर नंबरिंग चेंज हो रही है, आप देख सकते हैं जैसे हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर नंबरिंग चेंज हो रही है। आपको याद रखना चाहिए हम प्रोसीजर जो आज कर रहे हैं ये है यूरोग्राफी, जो किडनीज के लिए होता है। इसमें हम एब्डोमिनल, लिवर सब चीज़ें देखते हैं, और मोस्टली हम देखते हैं एक्सक्रीशन ऑफ द किडनीज जो है वो देखते हैं। तो हमारा कंट्रास्ट जो है लोड हो गया है, इसको हम साइड में रखेंगे। इसके बाद हमें जो NS है, NS इस पर 9 ml ही है, हमें NS भी लोड करना है। तो हमारा जो इंजेक्टर लोड हो गया है, इसमें क्या क्या है, 91 ml है इसमें NS और 109 यानी कि इसमें थोड़ा सा ER भी है, 100 ml है इसमें कंट्रास्ट। तो इसको हम बाद में कनेक्ट करेंगे पेशेंट को, पहले हम नॉन कंट्रास्ट जो है स्लाइसिस वो ले लेंगे। कंट्रास्ट एनालिसिस स्टडीज होती है उनके लिए हमें इंपॉर्टेंट है पेशेंट का कंसेंट लेना, क्योंकि हम इसको कंट्रास्ट दे रहे हैं इस चीज़ के लिए अवेयर करना है पेशेंट को पहले ही, क्योंकि हमने पेशेंट को ऑलरेडी अवेयर किया है कि हम आपको कंट्रास्ट दे रहे हैं। तो इसमें हम इसकी डिटेल मेंशन करेंगे, और KFT जो होता है किडनी फंक्शन टेस्ट वो भी हम मेंशन करेंगे इसमें। तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो ये कंसोल रूम है इसमें जो ये वाला मॉनिटर है, इसमें हम पेशेंट की डिटेल्स भरते हैं और इसी से हम स्कैन करते हैं। तो इस वाले से हम देखते हैं कि स्कैन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमने जो दिखा है पेशेंट ID डाली है, पेशेंट का नाम, डेट, जेंडर और एज फिर से डाली है, फिर पोजिशनिंग यहाँ से डाली है, फीट फर्स्ट जो हमने अंदर पोजिशनिंग दे दी वही फीट फर्स्ट वाली पोजिशन दे दी, और जो प्रोसीजर है उसका नाम CT यूरोग्राफी हमने लिख दिया। तो नीचे आ रहा है एग्ज़ाम प्रोटोकॉल ग्रुप, एग्ज़ाम प्रोटोकॉल ग्रुप पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हमें सारी प्रोसीजर जो है वो हाईलाइट हो रहे हैं, तो हमें लेनी है यूरोग्राफी। यूरोग्राफी अपडाउन में आती है, तो अपडाउन पे हम क्लिक करेंगे, और ये वाली जो है NCCT CST अपडाउन इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आ रहा है गो का ऑप्शन, तो गो करेंगे और सर्वे ले लेंगे पेशेंट की, जिसको टोपो बोलते हैं वो भी ले लेंगे हम। तो यहाँ से इंस्टॉल हो रहा है जो पोजीशनिंग है वो इंस्टॉल होता है बाय द एल्गोरिथम जो है मशीन का, उससे इंस्टॉल हो रहा है। फिर जो आ रहा है मॉनिटर पे प्रेस मैनुअल टू स्कैन, तो प्रेस मैनुअल को हमें करना है, तो मैनुअल को हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो सर्वे आ जाएगी हमारी, क्योंकि हम यूरोग्राफी कर रहे हैं प्रोसीजर। तो यहाँ से अंदर से हमारा स्कैन हो रहा है, जो है नॉन कंट्रास्ट एरिया जो हमने सेलेक्ट कर दिया है, अब हम करेंगे कंट्रास्ट एरिया सेलेक्ट। इसमें पहले आर्टीरियल फेस देते हैं, इसमें एक ही होता है, इसको पोर्टो फेस जो है वो बनाना पड़ता है। तो यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पे कॉपी करेंगे, फिर वहीं पे राइट क्लिक फिर से पेस्ट कर देंगे, तो हमें बन गया जो 4 है वो आर्टीरियल फेस, और जो 6 है वो बन गया हमारा पोर्टो फेस। तो आर्टीरियल फेस पर हम क्लिक करेंगे, तो आर्टीरियल फेस में हम क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है इंजेक्टर जो यहाँ पे दिखा रहा है इंजेक्शन का साइन, इस पर क्लिक करके हम टाइमर ले लेंगे। टाइमर हम लेंगे पहले जो ये पेशेंट चूँकि बहुत ही थिन है, इसको हम ले लेंगे 18 या 20 दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे पोर्टो फेस, वो हम टाइमर जैसे ही करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पे जो हम क्लिक करेंगे पहले तो हमारा जो सीरियल नंबर 4 है वहाँ पर क्लिक करके इंजेक्टर पे हम क्लिक करेंगे, तो टाइमर जो है 20 हमने पहले ले लिया, तो 6 पे हम क्लिक करेंगे तो आ जाएगा हमारा पोर्टल पे। इस पर इंजेक्शन पे क्लिक करके टाइमर ले लेंगे और 45 सेकेंड इसका ऑटोमेटिकली आता है। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, गो पे क्लिक करके नॉन कंट्रास्ट जो है वो ले लेंगे। तो यहाँ पर जो आ गए हमें प्रेस मैनुअल टू स्कैन, यहाँ पर आ रहे हैं जो
प्रेस मैनुअल टू स्कैन। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्रेस मैनुअल पे, जैसे हम प्रेस मैनुअल करेंगे तो हमारा जो है नॉन कंट्रा जो स्लाइस है वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे स्कैनिंग का दिखा रहा है, तो स्कैनिंग हो रही है और हमारे जो नॉन कंट्रास्ट है वो हमें दिख रहे हैं, इसमें नॉन कंट्रास्ट स्लाइसेस वो हमें दिख रहे हैं। इसमें जो है पेशेंट का जो ब्लड है वो फिलड होना चाहिए, बाई द फ्लूड जो हम ऑरली फ्लूड देते हैं उससे फिलड होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे रिकनस्ट्रक्ट हो रहा है, ये जो स्लाइस है ये सारी रिकनस्ट हो रही है नॉन कंट्रास्ट की। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या पैथोलॉजीज हैं, क्यों हम इसको यूरोग्राफी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है थिन स्लाइस जो है वो रिकनस्ट्रक्ट हो रही है, ये इसका लीवर है, ये स्टमक है, ये इसका जो है स्प्लीन है, ये पैंक्रियाज है, यहाँ से ये दो किडनीज है, और जो है इसकी जो राइट साइड की किडनी है इसमें स्टेगॉन कैलकुलस है। तो ये तो ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड भी मेंशन थी और यहाँ पे हमें दिख रही है कि स्टेगॉन जो है कैलकुलस है इसको राइट साइड में किडनी में। तो इसका जो आ रहा है ब्लैडर फिलर है बाय द फ्लूइड, तो रिकनस्ट्रक्ट हो रही है कंप्लीट ऑफ इमेजेस। तो रिकनस्ट्रक्ट जो है रिकॉन कंप्लीट हुआ है नॉन कंट्रास्ट। अब हम इसको जाएंगे कंट्रास्ट फेज के लिए। सबसे पहले तो हम इसको जो इंजेक्टर है वो कनेक्ट करेंगे, जो है लाइन कनेक्ट करेंगे इंजेक्टर को, और दूसरे साइड से हम पेशेंट को कनेक्ट करेंगे। तो जो लंबी वाली लाइन है वो हम यहाँ से NS के साइड से इसको कनेक्ट करेंगे, और छोटी वाली लाइन जो है वो कंट्रास्ट के साइड से इसको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा वॉश करेंगे ताकि जो ईयर है ईयर ना रह जाए, किसमें जो ये लाइन है इसमें थोड़ा सा भी ईयर ना रह जाए। तो यहाँ से हम इसको क्लिक करके इसमें से ईयर निकालेंगे, यहाँ से ईयर निकल रहा है, ईयर हमें निकाल। अब हम कंट्रास्ट से ईयर निकालेंगे, तो ये जो बबल्स आपको दिख रहे हैं ये वाले बबल्स ये नहीं रहने चाहिए इस लाइन में, तो ये सारे निकल गए। अब हम ये जो है इंजेक्टर पेशेंट को कनेक्ट करेंगे। अब हम इसको रिमूव करेंगे, थ्री वे जो होता है बहुत ही सेफ होता है, यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से हम इसको कनेक्ट करेंगे लाइन थ्री वे से ही। हम लाइन कनेक्ट की और इसको हमने ऑन किया, इसके बाद हम इसको टैप करेंगे यहाँ से ताकि मूव ना हो। उसके बाद हम इसको एक चेक करते हैं, फ्लश देते हैं इसको एक कि जो लाइन है वो हमारी अच्छी सी स्टेबल है कि नहीं है। तो ये जो है हम इसको अब सेट करेंगे इंजेक्टर को, ये कंट्रास्ट हमारा और ये जो है हमारा NS है, इसको हम सेट करेंगे स्पीड के साथ। तो यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ से 101 ml इसको हम क्लिक करके हम इसको दे देंगे। इसका पेशेंट का वेट है वो 40 kg है, इस हिसाब से इसको हम 60 दे देंगे क्योंकि हमें एक्सट्रीशन भी चाहिए। स्पीड देंगे हम 3.5 और जो नॉर्मल स्लाइन है वो हम 30 ml देंगे। स्पीड देंगे हम इसको 3.0 या कम भी हम दे सकते हैं, इसमें कोई उतना इशू नहीं है। यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम टिक करेंगे और इसके बाद जो है हमारा इंजेक्टर रेडी हो गया। हमें दिखा रहा है कि अब आपको रिमोट से इसको क्लिक ही करें तो हमारा जो इंजेक्टर है वो रेडी हो गया। चाहे कि जो कंट्रास्ट हम इसको दे रहे हैं इंजेक्टर से, इससे इसको थोड़ी सी गर्माहट लगेगी बॉडी में, इसको हमने अच्छी से प्रिपेयर किया है पहले ही कि गर्माहट लगेगी, आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ से जो हम दे देंगे हम इसको कंट्रास्ट के लिए हम तैयार करें पेशेंट को, और जो हमें आर्टेरियल फेज देना है वहाँ पर हम 4 पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इंजेक्शन पर फिर से क्लिक करें और देखिए टाइमर जो है वो सही है कि नहीं है। 26 सेकेंड्स का हमने टाइमर दिया आर्टेरियल फेज, और जो पोर्टल फेज के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखेंगे इसका जो टाइमर है वो कितना है, वो 45 है जो कि बहुत ही सेफ होता है। यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ये कैलकुलस है यहाँ पे राइट किडनी में। तो इसके बाद जो हमारा यहाँ पे गो का ऑप्शन है, इस पर हम गो करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमें आ गया है प्लीज़ इंजेक्ट कंट्रास्ट, तो कंट्रास्ट को हम इंजेक्ट करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे दिखा रहा है प्रेस ऑटो टू स्टार्ट टाइमर सीरीज, जो टाइमर सीरीज है वो स्टार्ट करेंगे हम कैसे प्रेस आउट। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं प्रेस ऑटो टू स्टार्ट टाइमर सीरीज दिखा रहा है, उसके साथ हमें इंजेक्ट करना है कंट्रास्ट, प्लीज़ इंजेक्ट कंट्रास्ट स्टार्ट स्कैन वेन रेडी, जब स्टार्ट हो जाएगा स्कैन। उसके साथ जैसे हम स्टार्ट करेंगे इंजेक्ट करना कंट्रास्ट, तो 20 सेकेंड्स के बाद आर्टेरियल फेस खुद ही आ जाएगा, आप देखते रहिए। हम करेंगे ये जो है ब्लू वाला इस पर क्लिक करेंगे और जो ऑटो स्कैन है इस पर एक साथ क्लिक करेंगे ताकि जो है कंट्रास्ट पेशेंट के अंदर इंजेक्ट हो जाए।
तो जो कंट्रास्ट है वो इंजेक्ट हो रहा है और जो टाइम है वो वहाँ पे मशीन पे जो एंट्री पे डिस्प्ले दी गई है वहाँ पे डिक्रीज हो रहा है वो कंट्रास्ट, वो ना जो टाइमर दिया गया है वो डिक्रीज हो रहा है। तो आर्टिकल फेस बहुत ही अच्छा आ रहा है हमारा। इसके बाद आ जाएगा हमारा पोर्टल फेस, इसमें हमें डिलेड फेज और एक दो लेने होते हैं ताकि एक्सक्रीशन जो है किडनीज की और जो यूरिटर है वो अच्छे से दिख जाए। तो 45 सेकंड उसका जो पोर्टल फेज था उसकी टाइमर भी हो गई है, टाइम हो गया उसका तो वो भी स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से हमें पोर्टल फेज बहुत ही अच्छा आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे ओके करेंगे, जब तक ये रिकनस्ट्रक्ट हो जाएगा तब तक हम पेशेंट को चेक करेंगे। तो जो हमारा पेशेंट है इसको हम पूछेंगे आप कंफर्टेबल हो कि नहीं, तो पेशेंट जो है हमारा वो कंफर्टेबल है कम्प्लीटली। अब हम इसको जो लाइन है वो रिमूव करेंगे क्योंकि हमने कंट्रास्ट दे दिया है। तो सबसे पहले जो है हमारा थ्री वे इसको हम बंद करेंगे ताकि सेफ रह जाए, कुछ बैक फ्लो ब्लड ना हो। उसके बाद जो लाइन है वो हम रिमूव करेंगे यहाँ से। तो जो इंजेक्टर है इसको हम पीछे ले जाएंगे, यहाँ से हम इसको खोलेंगे इसलिए क्योंकि जैम रहता है कभी कभी ड्यू टू कंट्रास्ट। क्योंकि हम कह रहे हैं यूरोग्राफी, इसके लिए जो डिलेड स्कैन है वो हमें बहुत ही ज़रूरी होते हैं। डिलेड स्कैन इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि जो पेशेंट की किडनीज है यूरिटर है वो अच्छे से दिख जाए और उनकी जो एक्सक्रीशन है वो भी अच्छे से दिख जाए। तो जो पेशेंट है पेशेंट का नाम मुश्ताक अहमद, हम यहाँ पे आ गए हैं। इसका हम जो लास्ट स्कैन देखेंगे वो हमने किस टाइम पे ले लिया है, तो C16 पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्विक व्यू यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें टाइम दिखा रहा है 12:30 यानी कि 12:30 हमने इसका ये वाला स्कैन है वो ले लिया है। अभी क्या टाइम हो रहा है 12:33 यानी कि अभी 3 ही मिनट हुए हैं। तो हम 5 मिनट के बाद दूसरा स्कैन लेंगे इसको, इसको हम चेक करेंगे अच्छे से कि जो सारे ऑर्गेनिज हैं अच्छे से इनहांस हो गए हैं और जो किडनीज लिवर स्प्लीन पैनक्रियास स्टमक सब चीज़ें अच्छे से आ गई है। तो 5 मिनट के बाद हम दूसरा स्कैन ले लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे 5 मिनट हो गए हैं, 12:35 हो गए हैं। तो इसके बाद हम ले लेंगे इसका जो है डिलेड स्कैन वो ले लेंगे। यहाँ पे लिखा है रिपीट लास्ट सीरीज पे, हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो डिलेड फेज है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। ये डिलेड फेज हम इसलिए ले रहे हैं जो एक्सक्रीशन ऑफ द किडनीज है वो हमें देखनी है, यूरिटर्स जो दोनों हैं वो हमें देखने हैं। तो हमें फिर से आ गया प्रेस मैनुअल टू स्कैन, तो हम प्रेस करेंगे मैनुअल को, मैनुअल स्कैन को हम प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेडी फॉर स्कैन हो रहा है, इसके बाद स्कैनिंग आ जाएगा, स्कैनिंग हो रहा है। तो ये जो है किडनीज है इनके एक्सक्रीशन जो है दोनों तरीके से आ गए, दोनों तरफ से आ गए हैं अच्छे से। तो एक्सक्रीशन जो है पेशेंट की बहुत ही अच्छी है, 5 मिनट में ही इसकी पूरी एक्सक्रीशन आ गई। तो पेशेंट को जो हमने कंफर्टेबली बाहर निकाला है यहाँ से, इसके बाद हम इसको लेंगे डिलेड फेज जो कि एक्सक्रीशन या फिर ब्लड जो होता है वहाँ पे फिल होना चाहिए कंट्रास्ट, उस चीज़ के लिए हम इसको ले लेंगे। तब तक हम देखेंगे फिल्मिंग में कैसा आया है, इसका जो स्टडी है वो कैसी आई है फिल्मिंग में, चलिए देखते हैं। तो जो हमने यूरोग्राफी प्रोसीजर किया है उसकी फिल्मिंग हम कैसे करेंगे आई मॉनिटर पर देखते हैं। तो सबसे पहले जो पेशेंट है उस पर हम क्लिक करेंगे, पेशेंट के नाम पर जो प्रोसीजर हमने किया उस पर क्लिक करेंगे, तो ये जो है प्रोसीजर वो लोड हो जाएगा, जो है लोड हो गया है। इस ये जो हमें दिख रहा है ये फाइनल स्लाइस ये हमें नहीं चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे 2D का ऑप्शन है 2D पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद हम टोपो डालेंगे, टोपो हम कैसे डालेंगे, ये जो ऐप का साइन है यहाँ पे कीबोर्ड पे ऐप, तो ऐप हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोपो चले जाएगा। जो हमें ज़रूरत नहीं है उस पर हम क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके लॉन्ग प्रेस करके हम दबाएंगे, जो स्लाइस हमें नहीं चाहिए उसको हम डिलीट करेंगे। राइट क्लिक से नीचे डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं और मॉनिटर से भी डिलीट कर सकते हैं और या फिर यहाँ कीबोर्ड से भी डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद जो है लेआउट हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके लेआउट हम रखेंगे 8x5 क्योंकि C16 अपडाउन और सारे प्रोसीजर जो है उनमें हम 8x5 का लेआउट रखते हैं जिसमें हम 40 कट देते हैं। इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो हम लगाएंगे। ये जो हम इसको सेट करेंगे टोपो को अच्छे से, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसको सेट करेंगे, इसके बाद जो स्लैब है वहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको देखेंगे कि NCT में क्या क्या पैथोलॉजी है इसमें, वो हम इसमें
इंसर्ट करेंगे। जो एनसीटी थिन है इसमें हम देखेंगे क्या क्या पैथोलॉजी है, उसी हिसाब से हम इसको फिल्मिंग डालेंगे। तो यहाँ से इसको स्क्रॉल करके हम देखेंगे लिवर ठीक है, स्पीन पैनक्रियास सारी चीज़ें ठीक है, बस इसका जो राइट साइड है किडनी उसमें कैलकुलस स्टेग हॉर्न कैलकुलस लग रही है तो ये हमें ज़रूरी है डाल। और लेफ्ट साइड से जो है स्मॉल स्मॉल रिनल कैलकुलस है ये भी हम डालेंगे। तो जहाँ से लीवर दिखेगा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फिल्मिंग। जहाँ से लीवर दिखेगा यहाँ पे सीरीज पे क्लिक करके बैच पे क्लिक करके स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको फिल्मिंग डालेंगे। तो जहाँ पे ब्लड एंड होता है वहाँ तक इसको फिल्म डालेंगे, इसको एंड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक तो हमने ऑलरेडी डाली है तो 39 हो गई, इसके बाद एंटर करेंगे और कैप्चर करेंगे इमेज। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे सारी स्लाइसेस जो है विदाउट टोपो उनको हम सिलेक्ट करेंगे और एडजस्ट करेंगे जो फिल्म है वो एडजस्ट करेंगे, क्योंकि पैथोलॉजी जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए और कोई भी जो एरिया है स्लाइस में वो कट नहीं होना चाहिए। लिवर किडनीज, लिवर स्टमक स्प्लीन किडनीज जीबी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ये अच्छे से इन्हांस हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, तो हम इसको देख रहे हैं अच्छे से इन्हांस हो गया है। तो इसमें जो स्टोन है कैलकुलस है राइट साइड से किडनी में वो हमने डाल दिया नॉन कंट्रास्ट में और इसमें भी डलेगी आराम से, लेकिन ये कंट्रास्ट में जो सुपर इम्पोज हो जाता है। देखिए कंट्रास्ट की भी ऐसी डेंसिटी है और स्टोन की ज़्यादा है लेकिन सुपर इम्पोज हो जाती है कभी कभी, तो इस चीज़ के लिए हम नॉन कंट्रास्ट फिल्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करके बैच पर क्लिक करेंगे स्टार्ट करेंगे जहाँ से लिवर स्टार्ट होता है और एंड करेंगे जहाँ पर ब्लैडर एंड होता है, उसके बाद एंड करेंगे यहाँ से 1.5 mm हमें स्लाइस थिकनेस है और हमें कितनी स्लाइस देनी है 40, तो 40 पे क्लिक करके उसको कैप्चर करेंगे। यहाँ से हम थोड़ा पैन जूम करके उसको थोड़ा ओरिएंटेशन सीधी करते हैं। प्लस से हम जूम कर रहे हैं इसको, यहाँ से पैन करें शिफ्ट से इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। ये जो हमारी फिल्म तैयार हो गई है इसमें हम देखेंगे जो पैथोलॉजी है वो आई है कि नहीं है, सारी पैथोलॉजीज आई हुई है और सारे ऑर्गन्स भी आए हैं अच्छे से। इसके बाद इसको प्रिंट करेंगे, करंट को ओके कर दीजिए सेंड। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हम देखेंगे इसकी जो यूरोग्राफी है वो कैसी आई है। जो थिन है इसका लास्ट जो डिलेड है उस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद वॉल्यूम पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कैसे आई है इसका जो यूरोग्राफी है वो कैसी आई है। यूरोग्राफी के लिए अलग से फिल्म हम देते हैं, तो अभी जो है इसकी यूरोग्राफी उतनी अच्छी नहीं आई है, मतलब किडनीज दोनों आ गए, यूरिटर भी दोनों आ गए लेकिन ब्लैडर अभी नहीं आया। इसके लिए हम इसको आफ्टर 10 मिनट्स और एक स्कैनिंग है और फिर बनाएंगे यूरोग्राफी की फिल्म। देखेंगे कि हम कैसे करेंगे यूरोग्राफी की फिल्म जो है हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम पेशेंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो AVI यहाँ पर लिखा है इस पर क्लिक करेंगे और ये इस वाले सिस्टम पर ओपन हो जाएगा। जैसे ये इस वाले सिस्टम पर ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, इसकी यूरोग्राफी जो है अच्छी आई है, एक्सट्रीशन दोनों साइड की अच्छी आई है। तो एक काम करेंगे इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे आएगा इसको क्लिप एंड 3D सेगमेंटेशन करेंगे, फिर यहाँ से इसको बूंद जो है वो रिमूव करेंगे। तो यहाँ तक जो है हमारी यूरोग्राफी की फिल्मिंग जो है कंप्लीट होती है। अब हम इसको फिल्म डालेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ ये जो लेफ्ट यूरिटर है ये क्यों नहीं आया। ये चूँकि ये नॉर्मल था इस साइड से, इसकी एक्सक्रीशन नॉर्मल थी और ये जो यूरिटर है ये यहाँ से आया, ये लेफ्ट यूरिटर है और ये राइट यूरिटर, ये किडनीज दो है। चूँकि इसमें ब्लैडर नहीं आया इसलिए हमने ये वाला जो डिलेड है उसमें हमने ये फिल्म बना दी। अब हम इसको फिल्म डालेंगे, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सिलेक्ट और इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद लेआउट पे क्लिक करेंगे, लेआउट कस्टम करेंगे, कस्टम करने के बाद इसको रखेंगे 3x
3, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। तो इसको थोड़ा सा जूम करेंगे प्लस के साथ, तो ये जो है हमारी वीडियोग्राफी की फिल्म जो है कंप्लीट होती है। इसके बाद इसको जो है यहाँ से प्रिंट करंट पे ओके भी क्लिक करेंगे, फिर प्रिंट चला जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।